हाथरस में 121 मौतों के बाद प्रशासन ने और पुलिस ने अब सेवादारों की धरपकड़ शुरू कर दी है। इन सेवादारों को गिरफ्त में लेके पुलिस ये पूछ रही है कि भगदड़ की वजह क्या रही। एक तरफ तो ये जांच चल रही है और दूसरी तरफ इस मामले पे राजनीति भी शुरू हो गई है। राहुल गांधी आज हाथरस पहुंचे और हाथरस पहुंचकर उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, जिस पर योगी सरकार के मंत्री नाराज हो गए हैं। देखिए आगे पूरी रिपोर्ट। हाथरस में जो नहीं होना था वो सब कुछ हुआ। एक सत्संग मौत की वजह बना और अब इसी सत्संग हादसे पर सियासत ने अपना रास्ता बुनना शुरू कर दिया है। पहले भोले बाबा के साथ अखिलेश यादव की तस्वीर वायरल होती है। सूबे में किसी अपराधी को ना छोड़ने का दावा करने वाली यूपी पुलिस भोले बाबा पर हाथ डालने से बचती दिखती है और इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी तक हाथरस हादसे के पीड़ित परिजनों से मुलाकात करते हैं, लेकिन बाबा को कटघरे में खड़े करने से बचते नजर आते हैं। राहुल ने प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठाए, मुआवजे की मांग की, इंसाफ की मांग की, कहा कि इस मामले पर राजनीति करना नहीं चाहूंगा, लेकिन राहुल भी भोले बाबा का नाम लेना शायद भूल गए। सीएम योगी को हाथरस हादसे के पीछे साजिश दिखाई दे रही है तो राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव और बसपा को प्रशासन की लापरवाही नजर आती है। ये सरकार चाहती ध्यान हट जाए बस, जो असली मुद्दा है, जहां प्रशासन की जिम्मेदारी थी और सरकार की जिम्मेदारी थी, तो आखिरकार क्या कर रहे हो आप? जाने आप कब गए जब घटना हो गई? आपने उन्हीं जिम्मेदार अधिकारियों को पहले क्यों नहीं भेजा? क्यों नहीं भेजा आपने कि हाँ यहाँ पर इतना लोग इकट्ठे ना हो जाएं? आगे क्या जिम्मेदारी बनती थी? तो सरकार की जो जिम्मेदारी थी उस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती सरकार। देखिए, कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है कि इस प्रकार के दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी वे राजनीति ढूंढते हैं और ऐसे लोगों की ये फितरत है कि चोरी भी और सीना चोरी भी। यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है, उनके राजनीतिक संबंध किन के साथ जुड़े हुए हैं। सियासी दल यूं ही चुप नहीं है, बल्कि सियासी मजबूरी में भोले बाबा को जिम्मेदार ठहराने से बच रहे हैं। इसके पीछे करहल का विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव बड़ी वजह है। करहल सीट बीजेपी के लिए भले ही महत्वपूर्ण न हो, लेकिन यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव जरूर सियासी मजबूरी है। भोले बाबा के बड़ी संख्या में समर्थक करहल सीट के मतदाता हैं, जिनकी संख्या 3 लाख के करीब है। इसमें भी सबसे ज्यादा यादव वोटर्स हैं, 1.25 लाख के करीब यादव हैं और उसके बाद शाक्य समुदाय के वोटर 35,000 हैं। उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में सियासी झटका खाने के बाद बीजेपी भूख भूख कर कदम रख रही है। यूपी में अपराधी और गुंडों को मिट्टी में मिला देने वाली योगी सरकार हाथरस की इस घटना पर साइलेंट मोड में दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। एक तरफ पुलिस हाथरस मामले में जांच में लगी हुई कि हादसे की वजह क्या रही, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने पीड़ित परिवारों से मिलकर उनको ज्यादा मुआवजा देने की मांग की। राहुल गांधी ने उनको भरोसा दिलाया कि ये मांग संसद में भी उठाई जाएगी।